हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी? और काम तो कर रहे हो ना रोजाना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? तो यहाँ पर आज अपन बात करेंगे राजस्थान जेई की एग्जाम के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए प्रीवियस वीडियो पे कि राजस्थान जेई की एग्जाम से रिलेटेड कुछ मटेरियल वगैरह या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताओ भाई, और कहाँ से नॉन टेक का मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा, क्या पढ़ें। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने के लिए मुझे भी टाइम लगा, बिकॉज आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोज देखते हो तो मैं भी खुद राजस्थान जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जितना आप लोगों के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो जितना बेस्ट मटेरियल, बेस्ट रिसोर्सेस हो सकता है, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, और वही चीजें बताऊंगा जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो मैं वही चीजें आपका टाइम मतलब खराब नहीं करूंगा। मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह भी परचेस करके लेके आया, लेकिन मुझे पता है कि उन सबको पढ़ना इररिलेवेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे, और जो रूमर्स वगैरह फैली हुई है इस एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम अगस्त में होगा, सेप्टेम्बर में होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये सारी चीजें जो अफवाह है, एकदम यूट्यूब पे आप देखोगे डेली 2-3 वीडियोस आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और आपको एक शॉर्ट शॉर्ट में आइडिया दे दूंगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और अपनी एग्जाम के ऊपर ही केवल फोकस करना है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन सारा कुछ डिस्कस करने वाले राजस्थान जेई से रिलेटेड। तो फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अपन बात करते हैं राजस्थान जेई की एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले राजस्थान जेई के एग्जाम के बारे में अपन बात करते हैं कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जिनको पता नहीं है उनको एक बार आइडिया लग जाएगा। राजस्थान जेई का जो एग्जाम पैटर्न है बेसिकली वो इस तरीके से कि 200 मार्क्स का यहाँ पर इसके टोटल जो है मार्क्स वो 200 मार्क्स है, और इसके अंदर 60% टेक्निकल आएगा और 40% नॉन टेक आएगा। तो सबसे पहले अपन जो सबसे एक होता है ना कि एकदम सीधा पोर्शन है टेक्निकल का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें काफी ईजी आता है टेक्निकल तो, और जो इलेक्ट्रिकल वालों ने भी बोला था उनके भी यहाँ पर चीजें डिस्कस करनी है। तो टेक्निकल के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहां पर बता दूंगा, और उसके ज्यादा उससे ज्यादा आगे अपन को नहीं जाना है, और आपको उसी में से मैक्सिमाइज यहां पर मार्क्स गेन कर सकते हो। बिकॉज आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा, और जो एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो लास्ट टाइम जब आरबीएनएल ने एग्जाम कंडक्ट कराया था तब उसने अपना यहां पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एग्जाम क्वालिफाई किया था, और अभी उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है, और उसके टेक्निकल में 120 में से 108 मार्क्स थे। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे, काफी देर बात हुई मेरी उससे, तो सारी चीजों का एकदम एक उधर होता है ना कि निचोड़ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसने जो चीज मेरे को बताई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए स्पेशली, उसने बोला कि वो बेसिकली केवल एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, और उसने केवल प्रीवियस ईयर एसएससी जेई की है अच्छे से, और उसके अलावा थ्योरी अच्छे से पढ़ी, और उससे ही उसके 108 मार्क्स आ गए। लेकिन जो कुछ चीजें उसने मुझे बोली कि जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में ज्यादा। इलेक्ट्रिकल वाले जानते होंगे उनके कौन से चैप्टर है ऐसे जिसमें से डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसने बोला कि उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, डाटा बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा रट के चले जाओ, बिकॉज 5 से 7 क्वेश्चन डाटा बेस्ड आपको नजर आने वाले हैं। और ये इलेक्ट्रिकल के लिए, मैं मैकेनिकल के लिए भी बोलूंगा, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन अपने भी आते हैं, तो उनको अपन को रट के जाना है एकदम, उनको लिख लेना है। जब अपन कहीं नोट्स में रिवाइज कर रहे हो या कहीं क्वेश्चन देखें तो अपन को लिख लेना है, ऐसे 10-20-50 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा पूरे सिलेबस में, तो उनको अपन को अच्छे से 100 भी होंगे तो भी क्या यार, अगर उनको अपन 3 बार भी देखेंगे 4 बार भी देखेंगे ना तो वो मेमोराइज हो जाते हैं कि 4 ऑप्शन में से आप क्लिक कर सकते हो उसमें, और इसमें तो 5 ऑप्शन है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए उसने बोला कि एसएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, और उसके अलावा यहां पर वीके मेहता जो बुक आती है उसको आपको करके जाना है इलेक्ट्रिकल वालों को। और अपन बात करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए मैं बताऊंगा कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं, सबसे पहले तो आप यहां पर जो अपने नोट्स होते हैं ना, क्लास नोट्स जिनके पास हैं, मेडिजी से कई किए हुए हैं या अदर इंस्टीट्यूट से, आप एक बार अच्छे से उनको कर लो। उसके बाद आप ना एसएससी की, ये प्रीवियस ईयर की आईएएस मास्टर की, आपने देखी होगी मेरे पास ये बुक, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बुक के बारे में डिस्कस किया था। ये बुक बहुत ही मतलब ऑसम बुक है मटेरियल के हिसाब से। आपको ये मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी, बट मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि मैकेनिकल के मतलब होता है ना कि आपको जितने भी एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड थ्योरी सब कुछ इस बुक के अंदर दिया हुआ है। आप एक बार जरूर गो थ्रू करके जाना इस बुक को, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि मेडिजी और इसमें कितना कंपेरिजन है। मटेरियल के हिसाब से आईएएस मास्टर बेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट इनका रहता है। तो ये बुक आपको बहुत बेनिफिट्स देके जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस बुक से, ठीक है, मैकेनिकल वाले तो स्पेशली। और क्या करना है हमें, और देखो मैं आपको बता देता हूं, जो अपनी थ्योरी बुक्स है ना, जैसे कि स्पेशली थर्मल पोर्शन जो अपना है, अपन को पता है अपनी यहाँ
पर IN और JN के अंदर या पावर जनरेशन के अंदर ही जाना है अपन को। तो अपन को बेसिकली यहाँ पर जो पावर प्लांट से रिलेटेड सब्जेक्ट है या फिर जो मतलब अपने थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, उनको अपन को अच्छे से करके जाना है थ्योरी बुक के अंदर। जो मेडिसी की थ्योरी बुकलेट नहीं होती थी अपन को वहां पर कोचिंग में मिलती थी, उसके अंदर से थ्योरी अच्छे से पढ़ती हुई जानी है, या फिर जो भी आपके पास बुक्स हो उससे अपन को थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करते हुए जानी है, जैसे कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन और डाटा बेस्ड क्वेश्चन अपने गलत ना हो। तो ये बेसिकली मैकेनिकल वालों को स्पेशली ध्यान रखना है। और जो एकदम बिगिनर है, जो फोर्थ ईयर में है, जिन्होंने अभी तक अभी पास आउट ही किया है, मुझे बताया उनके पास रिलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं होता है, सब NK पढ़ के ही पास होते हैं। भले ही आप कितने ही तुर्रम खाओ, 80-82% बना लो आप, लेकिन सब NK पढ़ के ही पास होते हैं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं कुछ तो, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है यहाँ पर। अपन को क्या करना है, उन लोगों को नवीन यादव सर का चैनल है IAS दीवाने आपको सर्च करना है, और उनके यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव के अंदर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी निकलवानी है उसकी, उसका एक रजिस्टर फॉर्म करना है। मैंने खुद ने यही किया हुआ है, और वो रजिस्टर के जो साइज है ना आपके, वो इतनी होगी पूरी मैकेनिकल की, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे नॉन टेक भी हैं, ये इतनी सी साइज है, इसके अंदर पूरा मैकेनिकल कवर है, और बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं यार इन्होंने नोट्स। मतलब मैं कभी खुद अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाया शॉर्ट नोट्स, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर किए हुए हैं उन्होंने। तो इनको अपन को अच्छे से करना है, और उसके बाद बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से करने के बाद आपको फिर SSC JEE के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर रिलेवेंट थ्योरी अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो करते जानी है, और टेस्ट सीरीज देनी है। अब टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो टेस्ट सीरीज है वो है टेस्ट बुक की, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेस्ट बुक की कर ली है तो आप यहां पर ग्रेडअप की ले लेना, और जिन्होंने टेस्ट बुक का पास नहीं लिया है ना, टेस्ट बुक के लिए दो तरीके से बेनिफिट्स है, मैं आपको बता देता हूं वो किस लिए। क्योंकि ये एग्जाम ना RPSC कंडक्ट नहीं करा रहा है, नहीं RMSS भी करा रहा है, जो राजस्थान की कंडक्टिंग एजेंसी है वो नहीं करवा रही है, आपको सबको पता ही एग्जाम IBPS कंडक्ट करवा रही है। तो जो टेस्ट बुक का अगर आप पास परचेस करोगे ना, तो आपको उसके साथ साथ IBPS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे, जिसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो वहां से नॉन टेक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उनको अगर आप करोगे तो फिर क्या ही बात है ना, कितनी एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि IBPS लगभग सेट ऑफ पैटर्न पर ही क्वेश्चन अपने पूछता है। तो अपने जो उसके प्रीवियस ईयर के अगर अपन क्वेश्चन पेपर कर लेंगे ना, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपन को। जिसने परचेस नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऑफ भी मिल जाएगा मेरे यहाँ पर कोड डालने से, तो आप जल्दी से परचेस कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेंगे टेस्ट बुक के पास से। और अगर आप टेस्ट बुक का कर चुके हो तो आप ग्रेड अप का चले जाइए। जॉन टेक के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत कॉस्टली है, मैंने रिव्यू किया है उसका, आई थिंक 700 समथिंग उसका कॉस्ट है, और आपको मैं बता दूं कि उसके अंदर लगभग वही टेस्ट दिए हुए हैं जो टेस्ट बुक में है या वो है। तो ज्यादा कुछ इतना मतलब मल्टीपल टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को करो और रिवाइज करो अच्छे से। फिर नॉन टेक के बारे में अपन को करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल के बारे में शॉर्ट शॉर्ट बात हो चुकी है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये हैंडबुक वगैरह आप परचेस कर लेना, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। RS खुरमी और RK जैन, देखो ये बुक्स के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, अभी भी बोलूंगा, जिसने की हुई है वो रिवाइज तो जरूर करके जाए इन बुक्स को, बिकॉज आप इनको छोड़कर मत जाना। इन बुक्स से पहले क्वेश्चन आते थे बहुत हाई, मतलब होता ना कि मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इन्हीं बुक से पूछे जाते थे, बट पिछले एक आध साल में देखें, हम इसी साल का सिनारियो देखें, तो क्वेश्चन अब कम आ रहे हैं इन बुक से। बट फिर भी जिन्होंने की हुई है, एक बार डाटा बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से देख जाना, और जिन्होंने मतलब पहले की हुई है ना, वो रिवाइज अच्छे से कर जाना। बाकी पूरा बुक को लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 5000 क्वेश्चन हैं, आप जितना हो सके उतने लगाइए इस बुक के क्वेश्चन, ठीक है। RK जैन या IRS खुरमी, दोनों में से कोई एक फॉलो करो आप, थोड़ा RK जैन में मिस्टेक्स बहुत है यार, तो जितना हो सके आप लेटेस्ट एडिशन भी परचेस करोगे ना, तो भी आपको 15-20% मिस्टेक्स आपको मिलेगी, है ना, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 25% में मिलेगी किसी किसी चैप्टर में। तो आप जहां तक हो सके मतलब कोशिश करना कि SSC JEE वाली लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना, जो RK जैन से क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली पहले SSC JEE में पूछे जाते थे 2017 से पहले, तो 2017 के बाद जो SSC का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट हो चुका है, तो आपको SSC के अंदर सारे यहां पर अपडेटेड आंसर की मिल जाएगी, तो आपको वही अच्छे से करके जानी है जो मैंने IAS मास्टर आपको बता दी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहां पर नॉन टेक पोर्शन के बारे में, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, बिकॉज क्यों बनाई है, उसकी एक मतलब होता है ना कि एक पूरी स्टोरी है, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपने एक व्लॉग देखा होगा मेरा, उसमें मैंने काफी सारी बुक्स परचेस की हुई है, उसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। तो मैंने बुक्स भी पढ़ी, मतलब काफी टाइम तक पढ़ी, ऐसी बात नहीं मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, पिछले काफी दिनों से मैं बुक्स ही पढ़ रहा था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कहीं। मैं मतलब एक राजस्थान की GK पढ़े जा रहा था, फिर मुझे डर लग रहा था कि इंडिया की GK भी पढ़नी है, फिर मुझे लग रहा था कि हिंदी भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी कवर करनी है अप टू 12th लेवल तक की। मुझे हिंदी और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा था, क्योंकि वेटेज तो है ना, अगर 10-10 मार्क्स का भी वेटेज मानो तो 20 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, मिनिमम इतना तो रहेगा अगर GK अगर 48 मार्क्स की हो जाती है तो। और GK में भी ये श्योरिटी नहीं है कि राजस्थान GK ही मैक्सिमम वेटेज आएगा, इंडिया की GK का भी आएगा, तो उसके लिए मुझे कहाँ से करना है, उसके लिए बुक्स वगैरह से तो मतलब बहुत कम हो जाता है। मनोहर पांडे वगैरह हम करके जाते भी हैं, बट उतने क्वेश्चन आ नहीं पाते, तो हम कहाँ से करें।
तो उस चीज़ का मुझे बहुत थोड़ा मैंने मतलब रिसर्च किया, मैंने सोचा कोई एक ऑनलाइन कोर्स मुझे मिल जाए जो कि बहुत बेनिफिशियल रहा है, तो वो मुझे मिल गया फाइनली और मैंने वो परचेज भी किया और उसके बारे में रिव्यू करूंगा, सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिससे कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आउट ऑफ 80 ना 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, और उतने अगर अपन ने स्कोर कर लिए ना तो अपन को सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, मुझे खुद को सिलेक्ट होना है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर इस बार यहाँ पर मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ, बहुत इररिलेवेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, बुक्स वगैरह के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बुक्स बहुत हैं लेकिन एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट नहीं करवा रहा है, बस मुझे इतना पता है आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, तो मुझे राजस्थान से रिलेटेड जो मटेरियल है वो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, मुझे बेसिक लेवल पढ़ना है और अदर चीजें भी कवर करते हुए जाना है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, तो आईबीपीएस के पैटर्न के हिसाब से मेरे को कवर करते हुए जाना है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जो कोर्स था वो परचेस किया है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जाम डेट का जो कन्फ्यूजन है, मैं आपको यही बोलूंगा एग्जाम डेट के लिए कि ये जितनी भी रूमर्स हैं इन पर ध्यान मत दीजिए। एग्जाम आपको पता है कि लास्ट ईयर जो आपको पता है जो एनएलसी का, वीजा गेस्टिल का सबका नोटिफिकेशन निकल चुका था, सबसे लास्ट में जो नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर अपने आरसीएफएल का आया था, आपको इतना पता होगा जुलाई अगस्त के अंदर आरसीएफएल का नोटिफिकेशन आया था और सबसे पहले जब एग्जाम हुआ ना वो आरसीएफएल का एग्जाम हुआ है, आपको पता है ना, जैसे कोविड थोड़ा सा नॉर्मल हुआ आरसीएफएल का एग्जाम हो गया, क्योंकि आईबीपीएस की जो स्पीड है वो उसी के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी रीओपन होगा ना फॉर्म, उससे एक मंथ का टाइम लेकर चलिए आप, उस एक मंथ में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और रिजल्ट 10 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाता है। और इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि फालतू की अफवाहों के अंदर ध्यान मत दो, अगस्त सेप्टेम्बर जाएगा, हो सकता है जून लास्ट में एग्जाम हो जाए, देखो कोई भी शोर नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं जो कहते हैं मेरा इंटरनल सोर्स है, ये है सब कुछ नहीं, सब केवल लॉकडाउन को देखते हुए ये सब चीजें बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो अभी कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं लगा पाता, आईबीपीएस अपने एग्जाम भी कंडक्ट करा चुका होता, आपको पता है, और हम रिजल्ट का वेट कर रहे होते अभी। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो फालतू की चीजों के अंदर कि एग्जाम कब होने वाला है, जब भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, अपने वहां फास्ट एंड फास्ट अपडेट आ जाती है, जब भी यहां पर फॉर्म रीओपन होंगे या एडमिट कार्ड आएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता लग जाएगी। तो ज्यादा मैं लंबा नहीं बनाना चाहता था इस वीडियो को, इसलिए मैंने केवल ये चीजें डिस्कस की, नॉन टेक के लिए सेपरेट वीडियो अपन बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस बार रिसर्च करने में सारी चीजों को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो कंपटीशन अलग जगह है लेकिन अपने फ्रेंड्स को बराबर मौका देना चाहिए, आपके भी बैचमेट्स होंगे उनके साथ डिस्कस कर देना और उनके साथ शेयर कर देना वीडियो को, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर मिलते हैं अपने अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।